हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 20th of July 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन पोस्टेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी पंचकुला। ऑप्शंस आर आदित्य दहिया, अजीत बालाजी जोशी, कमलेश कुमार और राजीव नैन। तो इसका सही आंसर है, ये अपॉइंट किया गया है अजीत बालाजी जोशी को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चालू वर्ष की पहली छमाही में जन्म के समय लिंग अनुपात के मामले में किस जिले ने राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द स्टेट इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट ईयर। तो ये टॉप किया है रोहतक ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रोहतक। ओके, यहाँ पे जो है 962 गर्ल्स का जन्म हुआ है, 962 पर 1000 बॉयज। ओके, और ये जो है इन्होंने इम्प्रूव किया है 50 पॉइंट्स का। ये इशू किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो रोहतक है इन्होंने 50 पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट किया है फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके, और इस लिस्ट में जो है सबसे लास्ट में रहा है झज्जर। झज्जर में जो है 858 गर्ल्स हुई हैं पर 1000 बॉयज। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये ओवरव्यू है स्टेट में जो रहा है सेक्स रेशियो एट बर्थ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोहतक है उन्होंने टॉप किया है विद 962 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और झज्जर जो है वो लास्ट में रहा है विद 858 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और एवरेज क्या रहा है, एवरेज रहा है 911 का। ये इशू की गई है फिगर जून 30 तक, 1 जैन से जून 30 तक जो जन्म हुए हैं उसके रिगार्डिंग ये है, मीन्स फर्स्ट 6 मंथ की ये फिगर दी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पैरालंपिक की आर्चरी प्रतियोगिता के लिए हरियाणा के किस जिले के रविंदर सिंह का चयन हुआ है। रविंदर सिंह ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द आर्चरी कॉम्पिटिशन ऑफ पैरालंपिक्स। ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और कैथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है हिसार से ये बिलोंग करते हैं, रविंदर सिंह पूछे गए हैं तो ये है कैथल से, सॉरी ये कैथल से है। रविंदर सिंह ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, पैरालंपिक्स आर्चरी कंपटीशन में इनका सिलेक्शन हुआ है, ये जो है कैथल से है। ओके, और ओनली प्लेयर है ये हरियाणा से जिनका सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल इंडिया से 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है, 5 प्लेयर्स। ओके, 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है आर्चरी कॉम्पिटिशन फॉर पैरालंपिक्स के लिए, और ये जो है पैरालंपिक्स जो है ये ऑर्गेनाइज होंगे टोक्यो में। कब से कब तक होंगे, ये होंगे 23rd of August से, 23rd of August से होंगे 5 सितंबर तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी पर कितने रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई है। द हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड हैज कम आउट विद अ प्लान टू डेवलप डैश रिवर फ्रंट ऑन सरस्वती रिवर। तो ये बनाए जाएंगे 5। ओके, 5 रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे सरस्वती रिवर पे, और ये जो है प्रपोज रिवर फ्रंट ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, ये 5 प्लेसेस कौन कौन से हैं जहाँ ये बनाए जाएंगे। तो ये बनाया जाएगा पिपली, पेहवा, पिपली और पेहवा ये आते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और बनाया जाएगा बिलासपुर में, बिलासपुर, बिलासपुर आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और पंचकुला यमुनानगर हाईवे नियर दोसड़का, पंचकुला यमुनानगर हाईवे नियर दोसड़का, और कैथल गोहला रोड पर, कैथल गोहला रोड। ओके, ये जो है सिलेक्ट किए गए हैं 5 प्लेसेस किसके द्वारा, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे जो है 5 रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे सरस्वती रिवर के, और सबसे पहले जो है काम स्टार्ट किया गया है रिवर फ्रंट पीपली पे। ओके, पीपली को डेवलप किया जाएगा ऑन द पैटर्न ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट, और इसका डिजाइन कौन तैयार करेगा, इसका डिजाइन तैयार किया जाएगा द चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा, वो इसका डिजाइन प्रिपेयर करेंगे।
और बाकी चारों के रिगार्डिंग जो है अभी जो बोर्ड है उन्होंने भेजी है रिक्वेस्ट डेप्यूटी कमिश्नर को ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न फॉर डी मार्केटिंग द रिवर एरिया। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसका पर्पस क्या है इसे लॉन्च करने का? इसका पर्पस है इनकरेज करना और प्रमोट करना स्मॉल इंडस्ट्रीज को रूरल एरिया में। ओके ये इसका उद्देश्य है। इस स्कीम के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका प्लान है कि कनेक्ट किया जाएगा हर एक ब्लॉक को स्टेट के विद सम इंडस्ट्रियल विजन। ओके हरियाणा में पहले लॉन्च किया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर MSME और ये जो है काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा। इसीलिए अब स्टेट जो है इंट्रोड्यूस कर रही है वन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ओके ब्लॉक लेवल पे ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा रूरल एरिया में। और जो वन वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा 137 ब्लॉक ऑफ स्टेट स्टेट के 137 ब्लॉक्स में जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके लिए जो है अरेंजमेंट की जाएंगी फॉर कॉमन सर्विसेज, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी और सेटअप ऑफ क्लस्टर इटसेल्फ। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर जो है किस डिस्ट्रिक्ट के बस स्टैंड का नाम रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्बाला। सी इज द राइट आंसर। जो सुषमा स्वराज है ये अम्बाला से ही बिलोंग करती है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही हैं, वेटरन पॉलिटिशियन रही हैं ये बीजेपी की। और ये जो है 2 बार MLA इलेक्ट हुई हैं अंबाला से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेनियर रोहतास खिलेरी हेज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। माउंटेनियर रोहतास खिलेरी जो है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है हिसार से। ए इज द राइट आंसर। इन्होंने कंकर किया था माउंट किलिमंजारो को जो हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। और एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। ओके इन्होंने कंकर किया है माउंट एवरेस्ट को भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजेंद्र फोगाट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। गजेंद्र फोगाट जो है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? ऑप्शन है म्यूजिक, साइंस, क्रिकेट और जर्नलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजिक से। ए इज द राइट आंसर। पॉप सिंगर हैं ये और एक्टर है गजेंद्र फोगाट। ओके इन्हें लक्ष्मी चंद रंग सम्मान दिया गया था। लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद रंग सम्मान। ओके और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर इन्हें दिया गया था निर्मल पांडे अवार्ड। सुनील ग्रोवर इन्हें जो है निर्मल पांडे अवार्ड दिया गया था। निर्मल पांडे। ओके और किसके द्वारा ये दिया गया था और कब दिया गया था? ये दिया गया था 10th नेशनल थिएटर फेस्टिवल हुआ था पानीपत में। 10th नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये हुआ था पानीपत में। कब हुआ था? मार्च 2021 में। मार्च 2021। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेख तैयब का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम ऑफ शेख तैयब लोकेटेड? ऑप्शंस आर कैथल, रोहतक, अम्बाला और फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शेख तैयब का मकबरा है ये आता है कैथल में। ए इज द राइट आंसर। ओके इसे कंस्ट्रक्ट कराया गया था शाह सिकंदर के द्वारा। कंस्ट्रक्टेड बाय शाह
सिकंदर। अब हम बात कर लेते हैं शेख तैयब की। शेख तैयब जो है ये डिसाइपल थे और खलीफा थे ऑफ बाबा शाह जमाल, ऑफ बाबा शाह जमाल। ओके, और ये जो है जाने जाते थे लाला मैदिनी मल के नाम से भी, लाला मैदिनी मल। एंड वॉज वन ऑफ द एडवाइजर इन द मुगल कोर्ट। एडवाइजर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्री इज और आर रिटन बाय उदय भानुहंस द स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा। उदय भानुहंस के द्वारा लिखी गई पोएट्री इनमें से कौन सी है, और उदय भानुहंस जो है ये स्टेट पोएट थे हरियाणा के। ऑप्शन में दिया गया है देशा में देश हरियाणा, संत सिपाही, शंख और शहनाई, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है पोएट्री हैं किनकी, उदय बानू हंस की। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, देशा मदेश हरियाणा, संत सिपाही, शंख और शहनाई, और इसके साथ साथ जो है इनका फेमस वर्क है भेड़ियों के ढंग। भेड़ियों के ढंग और हंस मुक्तावली। ओके, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो है हिंदी पोएट थे हरियाणा से, इन्हें डिक्लेयर किया गया था स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा इन 1966, 1966 में जब हरियाणा बना ही था, हरियाणा कार्व आउट किया गया था पंजाब से, तब इन्हें डिक्लेयर किया गया था स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा, और इन्हें दिया गया है हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान। ये दिया गया था 2009 में, हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान 2009 में इन्हें दिया गया था साहित्य अकेडमी के द्वारा, साहित्य अकेडमी के द्वारा। ओके, अब हम देख लेते हैं आज के समरी कीवर्ड। समरी कीवर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, करंट अफेयर में सबसे पहले हमने बात की है पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी पंचकुला। यहाँ पे जो है ये इस पोस्ट पे किसे अपॉइंट किया गया है, ये किया गया है अजीत बालाजी जोशी को। टॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट ने किया है सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो ये टॉप किया है रोहतक ने। रविंदर सिंह ये आर्चरी कंपटीशन में पार्ट लेंगे फॉर पैरालंपिक्स, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कैथल से। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि 5 रिवर फ्रंट बनाए जाएंगे। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम ये लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में सबसे पहले हमने बात की बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पे किया गया है, तो ये कौन से बस स्टैंड का नाम बदला गया है, अम्बाला। अम्बाला बस स्टैंड का नाम जो है वो सुषमा स्वराज के नाम पे किया गया है। माउंटेनियर रोहतास खिलेरी ये बिलोंग करते हैं हिसार से। गजेंद्र फोगाट जो है वो एसोसिएटेड है म्यूजिक से। टॉम्ब ऑफ शेख तैयब ये आती है कैथल में। उदय भानुहंस के फेमस वर्क हैं संत सिपाही, देसा मदेस हरियाणा, और शंख और शहनाई। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।